हेलो दोस्तों, मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 आज अपने 7वें दिन पर कलेक्शन में ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि आज सैटरडे हाफ हॉलीडे, जिसकी वजह से फिल्म के कलेक्शन में आज थोड़ी बहुत ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइगर 3 के अब तक के टोटल 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जो YRP स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म थी, क्योंकि ये फिल्म एकता टाइगर, टाइगर जिंदा वार और पठान के बाद YRP स्पाई यूनिवर्स की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म थी, जिस फिल्म का बजट अराउंड 300 करोड़ रुपए के आसपास था, जो YRP की पिछली 4 सभी फिल्मों से यहां पर ज्यादा था। और इस फिल्म को इतनी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था जितनी ज्यादा स्क्रीन पर तो यहां पर पठान फिल्म को भी रिलीज नहीं किया गया था, क्योंकि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड मार्केट में अराउंड 9000 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जबकि SRK की पिछली फिल्म पठान को वर्ल्ड वाइड मार्केट में 7700 के आसपास स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। तो यहां पर टाइगर 3 फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर स्क्रीन भी काफी अच्छी खासी मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह फिल्म पठान के लेवल का कलेक्शन यहां पर बिल्कुल भी नहीं कर पाई। हालांकि इस फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन तो काफी ज्यादा थी कि यह फिल्म भी YRP स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान की तरह ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करेगी। फिल्म इंडिया से तो ठीक ठाक कमाई कर रही है, लेकिन उस लेवल की यहां पर टाइगर 3 नहीं कर पा रही है जिस लेवल की कमाई पठान फिल्म ने की थी। हालांकि पठान का ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी लाइफ टाइम में 400 करोड़ रुपए के अराउंड था, लेकिन यहां पर टाइगर 3 मात्र 7 दिनों के अंदर 82 करोड़ रुपए का ओवरसीज बिजनेस कर पाई है, जिससे साबित होता है कि इस फिल्म का क्रेज ओवरसीज के ऑडियंस के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि फिल्म ने रिलीज होते ही तो अपने पहले दिन ओवरसीज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 41 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया था, जो पठान फिल्म से यहां पर ज्यादा था, लेकिन उसके बाद से ओवरसीज के कलेक्शन इस फिल्म के काफी ज्यादा डाउन हो चुके थे। तो दोस्तों, इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच का ही रहने वाला है, जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी कि यह फिल्म भी पठान की तरह ही 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है, तो वैसा बिजनेस तो यहां पर टाइगर 3 फिल्म बिल्कुल भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब देखना होगा फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच का रहता है या फिर उससे भी ज्यादा टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाती है। यह देखना काफी ज्यादा यहां पर दिलचस्प होने वाला है। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी दिखाई देते हैं। फिल्म सलमान भाई के करियर की भी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। तो दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन और शाहरुख खान भी एज अ कैमियो अपीयरेंस नजर आए थे। ये तीनों स्टार एक फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे, तो इस फिल्म को लेकर हम इतनी तो एक्सपेक्टेशन लगा ही सकते थे कि यह फिल्म भी पठान की तरह 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा शायद पार कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाने वाला है, या आप हमें कमेंट में जरूर बताना। फिल्म ने रिलीज होते ही तो इस साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ले ली, जहां पर यह फिल्म सलमान भाई के करियर की भी अब तक की सबसे बड़ी पहले दिन कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। फिल्म का 3 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन इस फिल्म के 4th दिन के कलेक्शन से इस फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा डाउन यहां पर हो चुके थे, जबकि आज फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है और आज सैटरडे हाफ हॉलीडे, जिसकी वजह से यह फिल्म कल के मुकाबले थोड़ी बहुत कलेक्शन में ग्रोथ दिखा रही है। वैसे देखना होगा आज सैटरडे का फिल्म का कल ऑफिशियल कितना निकल कर आता है, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का टोटल 5 दिनों का ऑल इंडिया से नेट कलेक्शन 187 करोड़ 65 लाख रुपए रहा, और इस फिल्म ने अपने 6th दिन पर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 13 करोड़ 44 लाख रुपए का कर लिया है, और आज ये फिल्म लगभग 16 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर सकती है। इसी के साथ टाइगर 3 फिल्म का अब तक का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 217 करोड़ रुपए हो चुका है, वही फिल्म का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन लगभग 258 करोड़ रुपए, ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 82 यानी कि 82 करोड़ रुपए की अभी तक कमाई की है। तो इसी के साथ टाइगर 3 का अब तक का टोटल 7 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 339 करोड़ रुपए हो चुका है। फिल्म 339 करोड़ रुपए का ही अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई है, जबकि फिल्म को रिलीज हुए अभी 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे आपने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 फिल्म देखी, तो यह फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या फिर सुपर फ्लॉप? इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, और इसी तरह से आप टाइगर 3 के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।